अगर आप प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम को समझ जाए, देखिए यहां मिक्स लोग बैठे हैं, छुटकारा पाने वाले भी बैठे हैं, छुटकारा पाए हुए भी हैं यहां पर, है ना, और जो छुटकारा बहुत लंबे समय से पा चुके हैं और इस मिनिस्ट्री में आते आते बूढ़े हो गए वो भी हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो भी हैं जो बहुत लंबे समय से इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जो ना दिन देखते हैं, ना दोपहर देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, वो आप लोगों से ज्यादा काम करते हैं। आमेन। मालूम क्यों? क्योंकि वो इस चर्च के अब पिल्लर बन चुके हैं। आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब से हमने चर्च को बनाने के लिए योजना बनाई है, अभी फिर से क्योंकि बारिश के कारण हमने रोक दिया था काम, अभी दोबारा से जब हमने शुरू किया है, तो कुछ ऐसे भाई हैं जो सुबह 5 बजे से यीशु के लिए उठते हैं, सुबह 5 बजे यीशु के लिए उठते हैं, इसलिए नहीं कि प्रार्थना करेंगे, इसलिए ताकि चर्च बन जाए। प्रार्थना तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपने जीवन के अंदर 5 घंटे प्रार्थना करते हैं लेकिन आपका जीवन पवित्र नहीं है, जीरो है वो प्रार्थना। किस किस को समझ आ रही है? वो प्रार्थना जीरो है। लेकिन अगर आप अपने जीवन को पवित्र रखते हैं, आप अपने जीवन के अंदर पवित्रताई का जीवन लेकर आते हैं, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप 1 घंटा भी प्रार्थना करते हैं और बाकी समय परमेश्वर को देते हैं, तो आपका प्रार्थना करना शैतान की शक्तियों को तहस नहस कर देगा। समझ आई? तब आपका केवल ये कहना प्रभु यीशु, तुरंत यीशु खड़ा होकर के, हाँ मेरे बेटे क्या बात है, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर को पसंद है। रोज प्रैक्टिस कीजिए कि आपका जीवन परमेश्वर को पसंद आए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? क्या समझे? मेरी और जो भाई की बात हुई वो समझे, या जो मैंने आपसे कहा वो समझे? हाँ, अपना अपना समझिए, वो अपना समझ गया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपना अपना समझ जाते हैं तब बड़ा काम होता है। यीशु ने पतरस को कहा, पतरस समझ गया। यीशु ने पौलुस को कहा, तो पौलुस समझ गया। प्रेज द लॉर्ड। चाहे यीशु ने मरकर जी उठने के बाद पौलुस को कहा, लेकिन पौलुस समझा, क्योंकि जीवित वक्त में तो पौलुस था ही नहीं, और पतरस को जीवितपन में बोला तो वो समझ गया, स्तिफनुस को मरते हुए कहा तो समझ गया। तो मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, आज यीशु अपने सेवक के जरिए बोल रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं? यदि आप समझ पा रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को समय देना सीख जाइए। जितना ज्यादा आप परमेश्वर को समय देंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर पाएंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ऊंची आवाज में बोलिए, मैं यीशु के लिए बनाया गया हूं। बोलिए, मुझे यीशु के लिए तैयार किया गया है। हम परमेश्वर की रचना है। जब कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है तो बीच बीच में पानी इस्तेमाल करता है या नहीं करता? कौन कौन बोलता भी हाँ करता है? तो ध्यान से सुनिएगा, जो मेरी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उनके लिए एक बात बोल रहा हूं, बड़ी गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। कुम्हार जब भी मिट्टी उठाता है, चाक पर रखता है, तो बर्तन बनाते वक्त क्या करता है? पहले ही गिल्ली रखता है, फिर बीच बीच में उसको घुमाते हुए पानी। आप वो मिट्टी हैं जिनका कुम्हार यीशु है, और यीशु हमें बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि खून का इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। बड़ी गहरी बात है यह। आज सुबह के वक्त में यीशु ने मुझसे कही, मुझे प्रभु यीशु ने कहा, विनोद, मैं तुझे बनाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करता हूं।
क्योंकि मैं तेरा कुम्हार हूं और तू मेरी मिट्टी है। तो फिर मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु आज मैं जब शाम को कलीसिया में जाऊंगा तो मैं कलीसिया से यही बात कहूंगा। तो प्रभु ने बोला हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तू उनको कह, क्योंकि वो मेरी मिट्टी है और मैं उनका कुम्हार हूं और मैं अपनी मिट्टी के बर्तन अपने आप अपने लहू से तैयार करूंगा। आमीन। और जो यीशु के लहू से तैयार होते हैं, जो यीशु के लहू से तैयार होते हैं वो टूटते नहीं हैं। इस संसार के बर्तन तो टूट जाते हैं, इस संसार के बर्तन तो कई बार आग की भट्टी में फट जाते हैं, इस संसार के बर्तन तो कई बार बार कुम्हार बनाता है और बार बार बर्तन टूट, लेकिन यीशु ने आज तक जिसको बनाया अपने लहू से वो टूटा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपको यीशु अपने लहू से बनाते हैं, आपकी रचना यीशु मसीह अपने लहू से कर रहे हैं, आपको यीशु अपने लहू से बना रहे हैं। इसीलिए तो आप मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसीलिए तो आप यीशु के लिए फिदा हो जाते हैं, इसलिए तो आप चाहे नेता हो फिर चाहे कोई भी हो सबके सामने कह देते यीशु के लहू की जय। आमीन। और नेताजी थोड़ा सा डर कर कहते हैं हाँ हाँ जय जय। प्रेज द लॉर्ड। भैया चाहे उन्होंने जय बोला पर बोला तो यीशु के लहू की। आमीन। तो ध्यान से सुनिएगा, ऊंची आवाज में बोलिए, मैं वो मिट्टी हूं जिसका कुम्हार यीशु है। फिर से बोले, मैं वो मिट्टी हूं, मैं वो मिट्टी हूं जिसका कुम्हार यीशु है, और मैं पानी से नहीं बनाई जाती, मुझ मिट्टी का बर्तन पानी से नहीं बनाया जाता, परंतु मुझ मिट्टी का बर्तन यीशु के लहू से बनाया जाता है। आपको लगता है ये आवाज पवित्र आत्मा की है? किस किस को लगता है? ये बात विनोद प्रोचिया नहीं बोल सकता, विनोद प्रोचिया के ख्यालात नहीं है ये। विनोद प्रोचिया के ख्यालात होते तो शायद पता नहीं अजीब सा लगता, लेकिन पवित्र आत्मा के ख्यालात, यीशु के ख्यालात, पिता परमेश्वर के ख्यालात मैच खाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मुझे मालूम है ऑनलाइन और ऑफलाइन समझ पा रहे हैं कि वाक्य में आत्मिकता चल रही है। ऑनलाइन लोग और ऑफलाइन लोग समझ सकते हैं इस बात को, जो बाइबल पढ़ते हैं प्रार्थना करते हैं वो समझ सकते हैं कि नहीं यार, यहां संसारिक बातें नहीं, यहां आत्मिक बातें चल रही हैं, यहां आत्मिकता का फ्लो है। आमीन। चलो फिर ऊंची आवाज में बोलिए, मैं यीशु के लहू में बनाया जा रहा हूं। अब बोलिए, हम यीशु के लहू में बनाए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं शैतान एक साइड में खड़ा है और लगातार उसकी आत्माएं आप में से बहुतों में से निकल निकल कर उसकी ओर बज रही हैं, उसके ऊपर जा जाकर। और उसका सोचिए, एक व्यक्ति को जब पुराने समय में तीर लगते थे, एरो है ना, जब लगते थे तो कैसे करता था वो, मालूम है किसी को? चलो तीर को छोड़िए, हम आज के जमाने में आ जाते हैं, बंदूक लगती है, गोलियां लगती है तो कैसे करता है, सोचिए। अभी लगी नहीं है, मारू मारू तो नहीं 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 नहीं, हाँ या ना। तो ऐसे ही शैतान कर रहा है खड़ा हुआ, क्योंकि आप यीशु के लहू के द्वारा उसको धमका रहे हैं। क्या बात है, कहां गए? मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, मालूम क्यों आपने ऐसा बोला? छोटी सी आवाज में शैतान तू मुझे कह रहा है, मैं डर रहा हूं, ये डरे हुए हैं। कौन डरा हुआ है?
भाई साहब शैतान मुझसे जल रहा है। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं दुष्ट आत्मा से डर रहा था, दुष्ट आत्मा मुझसे डर रही थी। कुत्ता मेरे सामने आया, मैं कुत्ते से डरूं और कुत्ता, ऐसे ही होता है। आज विश्वासियों का यही हाल है, वो शैतान से डर रहे हैं और शैतान उनसे डर रहा है। शैतान ने जब अच्छी तरह देखा, ये तो मुझसे डर रहा है यार, मुझसे डर रहा है ये। उन्होंने बोला हाँ तुझसे डर रहा है, फिर डराओ ना इसको और धमकाओ इसको, खराब करो इसकी रात। ध्यान से सुनिएगा, जब शैतान आपकी एक दिन को खराब करता है, एक रात्रि को खराब करता है, और आप 7 दिन गुण गाते हैं, कहते हैं हाँ पिछली रात पता मेरा गला दब गया, पिछली रात आपको पता क्या हुआ, मेरे घर में काले पर्दे हिलने लगे। तो हिलते हो तो सबके हिलते हैं, हमारे तो रंग बिरंगे हिलते रहते हैं। आपको पता क्या हुआ, मुझे एक हवा सी दिखी या कुछ ऐसा हुआ। बोलते रहेंगे और शैतान ने देखा एक झटके ने पूरा हफ्ता खराब कर दिया इसका, ये मैंने डराया इसको। याद आपको, अगर आप शैतान 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 बोलते हैं तो वो खुश होता है कि मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप क्यों नहीं अपने मुंह से बुड़बुड़ाना शुरू करते, क्यों नहीं आप अपने मुंह से बोलना शुरू करते, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय और यीशु के लहू की जय। भाई लोग कहां चले गए, घर में बुलंद आवाज को इस्तेमाल करें, आमीन।